ज्योतिरादित्य सिंधिया पर अपनी जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। बीजेपी ने तोड़ मरोड़ के कृत्रिम तरीकों से जो छल कपट से धन बल से तोड़ दिया था, उसका गुस्सा आज और उबल कर रहा है कि उनका जो महल है उसको चौपाटी बना देंगे। सामंतवाद के खिलाफ रहा हूँ, समाजवादी। क्या लगता है मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 इतिहास बनाएगा? सिर्फ वादा नहीं है, एक कमिटमेंट है, कटिबद्धता है और जनता उसके लिए चुनाव लड़ रही है बीजेपी से। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आज मेरे साथ कांग्रेस के एक स्टार प्रचारक हैं, जो वाकई में एक स्टार हैं और हर महिला के दिल में, जो कि 40 पार कर चुके हैं, उनके दिल में आज भी उनका नाम जो है वो आते ही शायद दिल धड़कने लगता होगा। यानी कि मेरे साथ मौजूद हैं राज बब्बर जी, लेकिन ये अभी अपनी किसी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, इसलिए कांग्रेस की ही बात करेंगे। और राज बब्बर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। क्या लगता है मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 इतिहास बनाएगा? देखिए, इतिहास तो जनता ने पिछली बार भी बना दिया था और जनता ने बदलाव के लिए ये फैसला किया था और उन्होंने कांग्रेस को जिताया था, लेकिन जनता के दिए हुए जनादेश को किस तरह से बीजेपी ने तोड़ मरोड़ के कृत्रिम तरीकों से, जो छल कपट से धन बल से तोड़ दिया था, उसका गुस्सा आज और उबल कर रहा है। और वो ये उबाल जो है इस बार कांग्रेस की दुगने विधायक जिताएगा, जो जिससे कि कमलनाथ जी जो जनहित के लिए जो कार्यक्रम, जो योजनाएं पिछली बार उन्होंने शुरू 101 वचन, हाँ, जो उन्होंने पूरे किए थे, पूरे करने कर रहे थे, उसमें उसी बीच में सरकार तोड़ दी। इस बार लोगों को भरोसा है कि चाहे वो किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात हो 2 लाख तक का, चाहे वो MSP की बात हो 2500 से 2600 से 3000 तक ले जाने की, चाहे वो शिक्षा के लिए बच्चों की शिक्षा की बात हो, चाहे वो OSP की बात हो, जो पेंशन है पुरानी पेंशन की बात हो, तो ये तमाम, चाहे वो नारी सम्मान की बात हो, ये तमाम चीज़ें जो कह रहे हैं वो सिर्फ वादा नहीं है, एक कमिटमेंट है, कटिबद्धता है और जनता उसके लिए चुनाव लड़ रही है बीजेपी से। मैं आपको बता दूं कि राज बब्बर जी जो हैं वो काफ़ी थके हुए हैं। मैं एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगी, मैं समझ सकती हूं आपकी इस सिचुएशन को, लेकिन ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि आपने तोड़ने की बात की। पिछली बार जब आप इंदौर आए थे तो आपने उस समय कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा था और कहा था कि कोई परचूने की दुकान वाला इतना अमीर कैसे हो सकता है। इस बार जब ये चुनाव शुरू हुए हैं तो आप ज्योतिरादित्य सिंधिया पर अपनी जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। आपने कहा कि उनका जो महल है उसको चौपाटी बना देंगे। सवाल ये नहीं है कि आपने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इसका जवाब आप कई मीडिया को दे चुके हैं। सवाल ये है कि सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया का महल ही क्यों, और क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं तोड़कर कांग्रेस की एक सरकार को, इसलिए ये गुस्सा है जो फूटा है राज बब्बर जी का? देखिए, मैं शुरू से ही सामंतवाद के खिलाफ रहा हूँ, समाजवादी आदमी हूँ और मैं हर महल की बात करता हूँ। महल वालों, आप लोग सारे महल जो है आप बड़े बड़े होटलों को दे दोगे, चलो पैसा कमाओ भाई, लेकिन महल तो जनता के थे ना भाई, प्रदेश की जो ग्वालियर की जनता के थे, यहाँ भी जनता के ही है ना, तो जनता को भी देखने का मौका दो। 50-50 हज़ार रुपये के कमरों में रहने के लिए ठीक है, लेकिन जयविलास पैलेस तो जनता के लिए खुला है। तो हम भी कह रहे हैं ना, और भी जो बाकी है, तो बहुत बड़ा गार्डन है जो तो दिखाई नहीं, मैं तो ऊपर से देखा, मुझे मेरे भी अच्छा लगा, तो लगता है जनता भी देखे उसको। तो ये थे हमारे साथ राज बब्बर जी, जिन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि जनता भी ये देखे, क्योंकि जनता का भी हक बनता है। बहरहाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस चुनाव में अपनी ताकत झोंकनी होगी, क्योंकि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो उनके हाथ से उनका महल छीन सकता है। बहरहाल, अभी के लिए बस इतना ही। बाकी मध्य प्रदेश की कौन सी विधानसभा सीट के क्या है हाल, कौन नेता क्या कहता है और उनके पीछे की हकीकत क्या है, ये जानने के लिए आप बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। और मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश। VK News, राष्ट्र के नाम।